हमने दिया 100% रिजल्ट आता है। जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी पार्ट टाइम में, हमने एक पैरालाइज व्यक्ति को दिया था प्रोडक्ट अपना, और यकीन करें सवा महीना में ही उसको रिजल्ट आ गया, उसके हाथ पर काम करने लगे। हम कभी सोच सकते हैं क्या मैं पैरालाइज को ठीक कर सकता हूँ? क्या पैरालाइज ठीक होता है? क्या अस्थमा का पेशेंट ठीक हो सकता है? क्या क्योंकि अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है तो उसे अस्थलीन का इंजेक्शन लेना होगा, इनहेलर लेना होगा, लेना होता है ना, हमेशा एक पंप साथ में लेके चलता है, नहीं तो मर जाएगा, लेता है या नहीं लेता। डायबिटीज का पेशेंट है उसे जिंदगी भर अंग्रेजी दवा खाना है या नहीं खाना है। किडनी का पेशेंट है डायलिसिस पे है तो वो बचेगा नहीं। हार्ट का पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट को तो ऐसे घबराया जाता है कि तो हार्ट का पेशेंट है ढंग से भाई, और उस हार्ट के पेशेंट को कार्डियोडोप दे दे के मैंने ठीक किया, जिसे दुनिया बोल रही थी ये जिंदा नहीं रहेगा, 16 साल से हार्ट का पेशेंट था। ऐसे ऐसे लोगों को जब हमने ठीक किया, और उसके बाद हमारे पास में फुर्सत नहीं होती थी क्योंकि अपना ही ये काम इतना अच्छा लगने लगा। जब लोग ठीक हो रहे हैं 100% में जब हम दवा देते हैं और रिजल्ट आता है तो काम कैसा है, नेक काम लगने लगा। पैसा क्या आता था वो मैंने नहीं देखा। उस समय हमारी इनकम स्टार्टिंग में 25-30 हजार रुपये पर मंथ की थी, और आज मैं बताऊं काम करते करते मैं सफायर जो 8वां लेवल है वो अचीव कर चुका हूं। इनकम की बात करूं तो लगभग 21 लाख प्लस की इनकम है। टूर की बात करूं, यहां पे टूर भी देखा होगा आप लोगों ने, पहला जो 5वां लेवल पे टूर हुआ करता था आज के दिन नेपाल टूर था, आज कंपनी पैसा ही दे देती है 15,000 रुपये नेपाल टूर की जगह पर। 6वां लेवल पे आपने देखा थाईलैंड का टूर है, हमने दो बार थाईलैंड टूर अचीव किया, एक बार घूम के आया, दूसरे बार पैसे हमने ले लिया। 7वें लेवल पे आपने देखा होगा बाइक का फंड है या नहीं, 7वें लेवल पे हमने बाइक अचीव की। 8वें लेवल पे आपने देखा होगा पूरे परिवार का दुबई का टूर है। कभी हम लोग एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, पैसा रहने के बावजूद भी हम लोग विदेश यात्रा नहीं कर पाते हैं, ऐसा है या नहीं है? टाइम इतना फ्री नहीं होता है। आज हम जब सोचते हैं तो दुबई का टूर हम अपने परिवार और बच्चों के साथ जाएंगे, हमारे बच्चे का हमारा सोच क्या है नहीं है ये नहीं कह सकते हैं। उस बच्चे का सोच कितना बड़ा है, वो बच्चा सोच रहा है कि पापा के साथ मैं दुबई जाऊंगा। आप सोचिए जब आप अचीवमेंट लोगे 8वें लेवल का तो आपके बच्चे की सोच कितनी बड़ी होगी। जब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो पहला कंपनी का 3-3 महीने में भी टारगेट होता है, 3 महीने में ही अचीवमेंट होता है, टारगेट होता है, और 3 महीने पे कंपनी कभी टूर निकालती है, कभी लैपटॉप, कभी बाइक, इस तरह का निकालती है। मैंने जब ज्वाइन किया था तो फर्स्ट टाइम में लैपटॉप था, और मैंने लैपटॉप जब देखा तो जैसे एक चीज होती है, बहुत सारे इंसान ऐसे होता है वो सोचता है मैं अचीवमेंट लूं, भूख होती है अचीवमेंट लेने की, होती है या नहीं? जो कोई भी अगर टारगेट रखा तो अचीवमेंट लेना चाहता है, और मैंने और अचीवमेंट लिया सबसे पहले लैपटॉप का, उसके बाद आया गोवा टूर का अचीवमेंट लिया, उसके बाद आया मनाली टूर वो अचीवमेंट लिया, उसके बाद जोधपुर जैसलमेर टूर आया वो भी अचीवमेंट लिया, फिर कंपनी ने फिर लैपटॉप निकाला, फिर लैपटॉप मैंने अचीव किया और उसके 25,000 रुपया कंपनी से लिए, क्योंकि कंपनी या तो लैपटॉप लो नहीं तो पैसे दे देती है। उसके बाद अभी शिमला टूर जो मैं करके आया हूँ रिसेंटली, और फिर कंपनी ने अभी गोवा टूर 11 सितंबर तक है गोवा टूर, और गोवा टूर अचीव किया, और वो भी कपल में होने जा रहा है, एक सिंगल भी होता है और कपल में ही होने जा रहा है। ये सारे टूर हमने अचीवमेंट किए, 21 लाख की इनकम हमने अचीवमेंट की, और आप लोग जैसा टीम हमें मिला, इतनी बड़ी अचीवमेंट बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसे कमाना, रिवार्ड लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बीमारी नहीं ठीक हो सकती ऐसी ऐसी बीमारी ठीक हुई, और साथ में आप लोग जैसे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। जब बात आई है अचीवमेंट की तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग यहाँ से गोवा टूर अचीव किया है, मिलना चाहते हैं? मैं चाहूंगा